110 रुपीज है। जैसे ही भाई ने प्लेट लगा दी है पूरी बड़ी, बड़ा इडली सांभर, हमने 160 कर दिया, 160 स्पीड है गाड़ी की। ये है हम्पी का फेमस मंदिर, तो अच्छे से देख लेते तो कौशी ध्यान रखी बड़े राम दूत अतुल बल धामा अंजनी पुत्र पवन सुतनामा महावीर विक्रम बजरंगी जी। बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखिए। ठीक है तो फ्रेंड्स फाइनली अब जा रहे हैं हम्पी की जा रहे हैं। अब बैठते हैं गाड़ी में और डालते हैं कहाँ की डेस्टिनेशन आती है तैयार। हमें 10:30 बजे में थोड़ा लेट हो गए तो अब चलते हैं सीधा हम्पी या कोई और डेस्टिनेशन। फाइनली बेंगलोर को गुड बाय बोल रहे हैं, अभी बेंगलोर में ही हम, कॉस्टो को ड्रॉप कर दिया हमने। एक बेंगलोरी जगह ऐसी है फ्रेंड जहां हम कहीं एक्सप्लोर नहीं करते, बेंगलोर में आते हैं जहां रहते हैं उसी में स्टे करते हैं यहां हम, क्योंकि उसका रीज़न है ये सामने, ये ट्रैफिक जैम रहता है। और अभी हमने डाल दिया है गूगल में हम्पी जाने के लिए। वैसे बेंगलोर का क्लाइमेट बहुत अच्छा लगा मेरे को, यहां पे मुझे इस टाइम भी पंखे में भी ठंड लग रही थी, कंबल फटता क्विल्ट ले थोड़ी सोया था, लेकिन मैं मौसम बड़ा अच्छा है। अब यहाँ से एक नया रूट दिखाएंगे, नए रूट पे जाएंगे, हम्पी जाएंगे या इंदौर जाएंगे या नासिक जाएंगे, कहाँ जाएंगे हमें नहीं पता, कोटा रुकेंगे, चित्तौड़गढ़, उदयपुर, रास्ते में पड़ेगा। फिलहाल चलते हैं और आपको भी दिखाते हैं हम्पी, लेट्स गो फ्रेंड्स। 110 रुपीज है। जैसे ही हमसे गलती हुई हम हम्पी रोड पे आ गए, तो ये तो यार पैसे है यूट्यूब में उसमें है 1200 पैसे हैं पेटी में 1200 हैं। तो फ्रेंड जैसे ही निकले हैं टोल टैक्स चालू, चुंगी चालू, भरते रहो भैया इतना पैसा। ये ना हो कि डीजल के पैसे से ऊपर टोल टैक्स निकल जाए, बताना कमेंट बॉक्स में, क्योंकि वैसे तो टोल टैक्स वो जो थे मैक्सिमम 3 डेज थे, पर टोल टैक्स ज्यादा है यार, 25 पैसे या 50 पैसे पर किलोमीटर ज्यादा टोल टैक्स नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम इतने टैक्सेस भरने के बाद गाड़ी खरीदते हैं। अच्छी लगती है मेरी बात तो शेयर करना लोगों से। अगर रोड ऐसा हो, ये हम हम्पी जा रहे हैं बैंगलोर से, तो रोड तो टोल टैक्स देने की दिक्कत नहीं, 110 रुपये टोल टैक्स था, लेकिन रोड बड़ा गजब है, ये मज़ा आ रहा है, मैंने तो क्रूज कर दिया है। अब मैं कोशिश करूँगा कि 110 रुपये का डीजल सेव कर लिया जाए। हम तुमकुर रोड पे हैं फ्रेंड फिलहाल, और ये रोड अच्छा बना हुआ है, अच्छा बोलते ही साथ में बाईपास हो गया। तो अभी ये जो हम्पी हम जा रहे हैं, एक्चुअली हम्पी एक हिस्टोरिकल प्लेस है, हमें वी डोंट नो मच मोर अबाउट हम्पी। हमने तो सोचा कि वापस जाना है यार, लोगों ने कहा कि बहुत फेमस है हम्पी, तो हमने सोचा कि चलो हम्पी दिखाए थे वे लोगों को। और हमें नहीं पता कि हम्पी कर्नाटका में है हम्पी वैसे, और हम्पी से हमारा रूट बनता भी है कि नहीं बनता, हमने हिस्ट्री में पढ़ा है हम्पी, सुना है। वैसे तो गर्म है माहौल, तो वहाँ पे गर्म है वेदर तो, लेकिन हमें लगा चलो नया रूट लेते हैं, एक हम्पी भी देख लेते हैं यार। लेकिन अगर आप पूछो कौशिक जी आपका कोई प्लान था जाने का, क्यों मैडम बताना जरा कुछ, क्या आपका कोई प्लान था जाने का? नहीं नहीं प्लान नहीं था, बस हमें तो वापसी लेनी थी, तो ये सोच रहे थे कौन सी डेस्टिनेशन पे जाए, मतलब रुकना है जहाँ जहाँ पे होटल लेना, तो हम भी समझ आए तो हम भी चले जाए। विषय मैडम आप बताओ, आपने नाम सुना हम्पी कभी? हाँ हिस्ट्री की बुक में सुना था। सुना था, तो चलो फ्रेंड अब हम आगे हम्पी देखते हैं और आपको भी दिखाते हैं। रास्ता अभी तक ठीक है, रास्ते में कोई दिक्कत नहीं है, और हमें सीधा जाना है अभी, और यहाँ से यूटर मारोगे तो आप बेंगलोर जाएगा। लेकिन वैसे बेंगलोर के अगर आउटस्कर्ट की बात करूँ मैं तो कूल है। तो फ्रेंड अभी यहाँ से हम ले रहे हैं लेफ्ट टूवर्ड्स पुणे, तुमकुर की जाना, तुमकुर की तरफ हमें हैदराबाद, और बेंगलुरु यहाँ से राइट है जो रूट हमने लास्ट टाइम लिया था। अब ट्रक ही ट्रक है भाई, ट्रक ही ट्रक है। अब हम यहाँ से लेफ्ट मुड़ रहे हैं और देखते हैं ये नज़ारा कहाँ लेके जाता है और ये हाईवे कैसे मजे देता फ्रेंड्स। तो चलते हैं सीधा अपनी डेस्टिनेशन पे। आज ज़्यादा गाड़ी चलाने नहीं है, 350 किलोमीटर चला रही गाड़ी, 350 बहुत कम लगता है मेरे को, क्योंकि रोज़ आता है 800 चलाने की। ओवरऑल जो मेरी गाड़ी का एक्सपीरियंस है वो मैं आपको बता दूंगा कि सफारी में चलाते हुए थकान क्या होती है, क्या फील होता है, वो पूरा मैं डिग्गी में कैसे सामान भरा मैंने, क्या माइलेज मुझे मिली है, सब बता देंगे आपको। अभी फिलहाल चलते हैं आज की डेस्टिनेशन। फ्रेंड अभी आ गए हैं, भाई की खाएंगे इडली, भाई ने प्लेट लगा दी है पूरी बड़ी, बड़ा इडली सांभर। एक देखो ना शांगली,
तो यहाँ खाएंगे इडली सांभर, काफी बड़ा लग रहा है, भूख लग रही थी भैया। बड़ा नहीं इडली, हाँ मुझे दो। तो ये खाते हैं और देखते हैं भाई क्या मजा है और आगे चलते हैं। जैसे जैसे हम साउथ को छोड़ते हुए जा रहे हैं वापस हम्पी की तरफ या पुणे की तरफ, भाई को टेंशन हो गई है पापा इडली नहीं मिलेगी, फिर दो इडली मंगा ली भाई ने, रोटी पूरे साउथ ट्रिप पे मंगा नहीं हूं, मम्मी को फिर से मंगाऊंगा मैं डोसा। उसका पेट नहीं भरा इडली खा के, लेकिन कह रहा पापा तो मिलेगी नहीं यहाँ खा लेता हूँ। क्यों मैडम? ठीक है खाई जा रही है, इडली अच्छी है। और कर्नाटका क्रॉस करने से पहले मैं गाड़ी में डीजल डलवा लूँगा क्योंकि कर्नाटका में डीजल सस्ता है, हम्पी कर्नाटका में ही पड़ता है। तो अभी हम्पी जा रहे हैं फ्रेंड, देखो क्या बढ़िया हाईवे बना हुआ है, कोकोनट ट्रीज आ गए हैं, ये बढ़िया हाईवे। इस हाईवे का अगर टोल टैक्स पे करते हो आप तो कभी भी आपको अफसोस नहीं होता फ्रेंड्स। पूरा नजारा देखिए आप कितना सुंदर है ये बेंगलोर से हम्पी तो रास्ता लेके सही कर दिया भाई, मस्त एकदम मस्त। देख लिया आप भी देखिए, मजा ना आया तो पैसा वापस है फ्रेंड। अब मैं इतने अच्छे हाईवे पे आया हूँ तो आओ स्टार्टर सफारी की थोड़ी हाई स्पीड भी चेक कर लेते हैं कि इसकी, क्योंकि ऐसे हाईवे पे आप चेक कर सकते हो। अब हम इसको गाड़ी को लाते हैं अपनी स्पोर्ट्स मोड, स्पोर्ट ड्राइव मोड एक्टिवेटेड। अब देखते हैं गाड़ी की क्या स्पीड होती है फ्रेंड, हमें निकालते हैं। छठे गियर पे गाड़ी है, अब गाड़ी एसी कर देता हूँ मैं बंद। वैसे मैं तेज गाड़ी चलाता नहीं हूँ कभी, और फिर लगा कि एक बार जरा इसका इंजन खोल लेता हूँ, और हाईवे थोड़ा अच्छा है वो मुझे बता रही है बार बार। गाड़ी को सेंटर पे कर लेता हूँ। अब फ्रेंड देखिए इस गाड़ी की स्पीड देखिए आप, अब गाड़ी की स्पीड ऑलमोस्ट हमने 160 कर दी है, 160 स्पीड है गाड़ी की। अब मैं गाड़ी स्लो कर लेता हूँ, सामने वो आ गया है। तो ये स्पोर्ट्स मोड तो भाई साहब इसका ऐसा मोड है कि बस गाड़ी अभी स्पोर्ट्स मोड में है, पिकअप देखिए स्पोर्ट्स मोड में ये गाड़ी एकदम ऐसी बन जाती है, बहुत गजब आरपीएम आ जाता है इसका। तो ये गाड़ी अब चलाई हमने, हमने चलाई गाड़ी आज 160 किलोमीटर, और गाड़ी का जो 160 बेबी को स्टीयरिंग टेरिंग हिलता नहीं फ्रेंड, देख लीजिए। यार ये जो हाईवे है ये तो ऐसा हाईवे है कि मेरी स्पीड अभी देखिए 98 है, पर लग रहा है 50 की स्पीड चल रहा हूँ मैं गाड़ी, और मजा आ रहा है भाई देख के। ये मुझे तो गुजरात और जैसलमेर की याद आ गई, ये सबसे बेस्ट रास्ता लग रहा है मुझे, ये उससे बेटर लग रहा है जो मैं आया था आपका सागर से हैदराबाद। गजब है गजब स्पीड, लोग जो मर्जी कर सकते हैं। मैंने 160 स्पीड की थी तो 100 की स्पीड भी बहुत कम लग रही है मेरे को, बहुत मज़ेदार रास्ता लग रहा है भाई। आप भी देखिए सामने वो विंड मिल्स हैं, पूरे में चल रही है विंड मिल्स, ये रास्ता जो है ख़त्म होने का नाम नहीं ना, 100 में से 100 पॉइंट है भाई। जिस भी ये वैसे कर्नाटक रास्ता है, गोवा की तरफ जा रहे हैं शायद हम, मस्त। आप भी आए तो जरूर आए इस रास्ते पे। भाई साहब मोहब्बत हो गई है, मोहब्बत क्या रास्ता है भाई गजब। देखिए आप किस तरह लेफ्ट, देखो बड़ा क्या रास्ता है भाई, इतना सुपर एक्सप्रेस वे। ये अपने केएमपी याद आ गई मेरे को, हमारा केएमपी ऐसा है बट ये थोड़ा केएमपी से बेटर है, एकदम मस्त। अब हम जा रहे हैं भाई अपना डेस्टिनेशन की तरफ, गोवा शायद स्टेट जा रहा था फ्रेंड। मेथी के पराठे बना लाए थे घर से और चटनी बनाई थी, ये मेथी के पराठे हैं, चटनी बनाई थी और दही था। अभी रास्ता सुनसान रास्ता था, यहाँ पे देख रहे बढ़िया जगह, सारा मंदिर विंदिर भी है, बरगद का पेड़ था सामने, देख बरगद का पेड़ था, हाईवे है वही वाला मस्त। खाने के कुछ
कम नजर आ रही है। और खाने का जुगाड़ है नहीं यहाँ पे, तो अपने से घर का खाना मिल जाए भाई। मैंने आलू भी उबाल के लाई थी, मैंने कहा चटनी और नमक ले, आलू उबाल के लाए, मम्मी पूरा सामान लेके आई है, तो भाई मजा आता भाई। फ्रेंड हम्पी से पहले टोल टैक्स तो है, पर ये रास्ता इतना गजब है, इतना गजब रास्ता है कि मैं आपको क्या बताऊं। और टोल टैक्स देने में मेरे को बिल्कुल भी दिक्कत नहीं हो रही है, चाहिए 100 रुपया टोल टैक्स सुनाओ, लेकिन मज़ा आ गया। स्पीड 100 रखो दोस्त, 150 रखो, टाइम भी बचा मेरा और गाड़ी की जो माइलेज है वो भी एकदम बिंदास आई है। एक खुल गई रवि, अब हो गया हो गया हो गया खुल गया भाई, बड़ी देर लगाई भाई इसने हम पीछे पर, लेकिन रीड कर लिया होगा। अब तक मैं 5,000 रुपए का टॉप अप कर चुका हूँ अपने उसमें, और अभी 5,000 का मैं कर चुका हूँ, और देखो अभी कितने पैसे उसमें 200-400 बचे होंगे, खत्म होगा तो और कर देंगे। अभी तो सफर मेरा बाकी है कम से कम 5-6 दिन का, क्योंकि अभी तो इंदौर भी जाना है और हम हम्पी से भी आगे देखते हैं कहाँ जाना है, कोटप जाएंगे शायद, तो बताऊंगा लास्ट में आपको कि कितना टोल टैक्स दिया। वैसे मैंने हर वीडियो में बताया आपको, बता दूँ, लेकिन रास्ता वैसे थोड़ी देर पहले बारिश हुई है, यहाँ शायद बारिश हुई है, सड़क गीली है, और अगर वो तो देखिए लेफ्ट हैंड देखिए पानी का पूरी झील दिख रही है मुझे इसे, और आपको भी दिख रही है फ्रेंड्स, जगह तो कूल लग रही है, लेकिन अभी 39 किलोमीटर है हमारी डेस्टिनेशन, 1 घंटा अभी और लगेगा। और गाड़ी टूट गई शीशा, एक्सीडेंट हो गया इसका, बड़ा डर लगता भाई कभी ऐसे रास्ते में ना हो किसी के साथ, किसी के साथ ना हो भाई। अभी थोड़ा दूर रह गया, 22 किलोमीटर रह गया है। हाँ हॉस्पिटल लेफ्ट में सी है, लेफ्ट में सी है, इसमें दिखा रहा है सी नहीं है, रिवर होगी, सी है, इतना बड़ा थोड़ी ना होगा सी, ये नदी है बेटा, पान तालाब। अभी हम्पी दूर है, हम्पी एक्सप्रेस वे तो वो था, लेकिन देखिए क्या सुंदर, वाह उस तक वो दिख रही हो। हमें जाना है हम्पी, और यहाँ खड़ी है अपनी दमयंती सफारी। फोटो इज प्रोहिबिटेड इन दिस एरिया। हॉस्पिटल जो जगह थी उसका डैम है यहाँ पे, ये हमें आंटी ने बताया है कि ये डैम है, बड़ा खूबसूरत है देख के। और कैसे आंटी? उन्होंने बताया कि यहाँ ये डैम है और लोग देखो कैसे घूमने फिरने आए हुए हैं, और हम भी बता रहे हैं सुपर जगह है। ये इल्ली मटाला पर सकते हैं, इल्ली मटा नीर पर सकते हैं। अच्छा अली इन पिटा था ना? हाँ बंद माटी था, इल्ली मटा वोस्ट पर सकते नीर। अच्छा डैम पिटा था। अच्छा आंटी पानी यहाँ तक आता है कि डैम खुलता है? अच्छा। यही बोला आंटी ने शायद, मैं यही समझाऊं। उससे पहले जो गांव पड़ता है हेमलेट, क्या गांव था, हॉस्पिट एक गांव पड़ा था हॉस्पिट, वो थोड़ा सा वही लगा बाजारू टाइप में यार, मैं डर गया, लेकिन थोड़ा सा उससे 10-12 किलोमीटर दूर हम्पी है तो क्योंकि मुझे भीड़ भाड़ वाली जगह नहीं देखनी है, लेकिन जो भी जा रहे हैं ये देखिए क्या मंदिर आया शान में, क्या मंदिर, इतना सुंदर मंदिर आ गया, क्योंकि मेरी नज़रों में मेरे ख्यालों में जब आप कहीं जाते ना घूमने फ्रेंड्स, तो आपके मन में ना एक पिक्चर होती है हर चीज़, जैसे हम्पी, मेरा मतलब हम्पी कोई लश ग्रीन कोई खूबसूरत सी जगह होगी और मज़ा आएगा देखने में, लेकिन ये जब ये ऐसे बाजार मिल जाते हैं तो फिर देख के मेरा मन कच्चा कच्चा हो जाता है।
आप भी कभी जाते हो तो आपके मन में भी हर चीज़ें, आप बोलो कुर्ग बोलता हूँ, एक मन में अरे रिवर बह रही है, ओ, नहर बह रही है। फ्रेंड हम्पी, ये देखिए यहाँ से एक हम्पी लिखा हुआ है, 4 किलोमीटर हम्पी है। हाँ, अब हम जा रहे हैं हम्पी। लोग यहाँ बहुत सारे लोग आते हैं जो कि उसकी बात करते हैं आपसे गाइड वगैरह की, और पीछे पड़ जाते हैं आपको, उसको पता नहीं है कि हमें सारा पता है, वो पीछे पड़ जाते हैं आपके अभी से। तो आप भी गाड़ी ना ही रोके, वो गाइड वगैरह होते हैं जो आपको पीछे से झोली देते हैं, ऐसे करके हमारे एंड में झोली देकर बुला लेना, इशारा इशारा करके बुला लेते हैं, आपको रोकने की जरूरत है। लेकिन जगह तो अब ठीक है, थोड़ा सा लग रहा है मुझे कि हाँ भाई बात बात बनेगी, लग रहा है मुझे, थोड़ा ग्रीनरी देख के मुझे बड़ी खुशी होती है। तो चलते हैं, देखते हैं और आपसे शेयर करेंगे हम्पी। सुंदर आ गया है, केले के खेत है यहाँ पे, ये कोकोनट भी आ गया, काफी सुंदर लग रहा है देखने में हम्पी। अभी देखते हैं आगे जाके, उम्मीद है कि शायद कोई अच्छी सी जगह मिलेगी, ग्रीन ग्रीन घर मिल जाएगा हमें रहने के लिए, केले भी दिखाएंगे आपको, उम्मीद है मुझे, बाकी तो जाकर ही मालूम पड़ेगा। सब ऐसे बंद 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 खड़ा सा होता है, वो वहाँ जाके मालूम पड़ता है अभी अंदर बैठ के क्या सीन है क्या नहीं है, लेकिन अभी तक तो लग रहा है ठीक है, अच्छी लग रही है। सामने पत्थर आ गए देखिए, और हमें यहाँ से राइट मुड़ना है फ्रेंड्स। फ्रेंड्स फाइनली हम हम्पी पहुंच चुके हैं, ये देखिए ये है हम्पी, वाह रियली भाई, तो लग बड़ा सुंदर रहा है, सामने मंदिर भी आ गया लेफ्ट हैंड पे, और होटल ढूंढते हैं पहले तो। फ्रेंड ये हम्पी में हमने कल्याण गेस्ट हाउस बुक किया है, वो नंबर भी लिखे हुए हैं ऊपर देख लीजिए आप, ये हैं भाई साहब, आपका नाम क्या है? जमुनाथा। जमुनाथा जी हैं ये, हम मिले हैं इनके रूम में स्टे करेंगे, और आपको रूम दिखा भी देंगे हम यहाँ पे, ये हमें अंदर ही ले आए हैं, बाकी आपको व्लॉग में मालूम पड़ ही जाएगा। और एसी की ऑप्शन भी अवेलेबल है, और नॉन एसी भी है, नॉन एसी का 1000 रुपये मिल जाता है, और एसी का 1500 रुपये मिल जाता है रूम रहने को, वो आपके ऊपर डिपेंड है। ये नंबर है सामने देख लीजिए, 8277-4799-62, और दूसरा नंबर भी आपने देख लिया होगा,
और ये पीछे पहाड़ी भी है घर के इनके। फ्रेंड्स अभी ये होटल से आ गए हैं सीधा, जो भी जो रूम मिला है, होटल तो खैर नहीं है, एक गेस्ट हाउस सा है। रात सर रात तो गुजारनी हमें, लेकिन ये बिल्कुल वॉकिंग डिस्टेंस पे है, 2 मिनट लगे मेरे को आने में। वो देखिए सामने मंदिर, भैया ने कहा यहाँ का सनसेट बड़ा फेमस है, आप सनसेट देखना और मंदिर भी देखना, 7 बजे तक खुलता मंदिर। मेन टेम्पल यही है। हाँ मेन टेम्पल यही है।